साथियों, शनिवार 7 मई एक अहम तारीख है देश के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए। देश में जो मौजूदा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, चाहे वो रेल हो, चाहे वो बस हो, या जिस तरीके से मेट्रो हो, ऑटो, टैक्सी, आप किसी भी नज़रिए से देखें, लेकिन आज की तारीख बहुत अहम होने जा रही है इस पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नज़रिए से। जिस तरीके से आप एक शहर से दूसरे शहर में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल करते हैं, ये तारीख इसलिए अहम होने जा रही है क्योंकि देश का जो पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी कि दिल्ली से मेरठ के बीच जो देश का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इस पर काम तेजी से चल रहा है। लेकिन इस पर चलने वाली पहली ट्रेन कैसी होगी, वो ट्रेन बन करके तैयार है और वो ट्रेन बनाई है एलस्टॉम ने। और सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताऊं कि ये कंप्लीट मेक इन इंडिया ट्रेन है, यहीं पर देश में ही इस ट्रेन को बनाया गया है। यानी कि जो आत्मनिर्भर भारत की जो पूरी मुहिम है ना, उसको भी ज़बरदस्त सफलता मिलने जा रही है और ये ट्रेन बन करके तैयार है। तो अब आप देखिए कि हम उस फैक्ट्री में, सावली गुजरात में एलस्टॉम के इस प्लांट में हम आ चुके हैं। चलिए देखते हैं कि देश की ये पहली मिनी बुलेट ट्रेन कैसे होने जा रही है, इसका फर्स्ट लुक, इसमें सुविधाएं और ये कब इसमें आप सफर कर सकेंगे। देश की पहली रैपिड रेल ट्रेन, यानी कि देश की पहली मिनी बुलेट ट्रेन की पहली झलक आपको दिखा रहे हैं गुजरात के सावली एलस्टॉम की फैक्ट्री, जहां पर इसको बनाया गया है। और यहां पर यह है ट्रेन की पहली झलक या पहला लुक आप जो देख रहे हैं, बिल्कुल बुलेट ट्रेन के अंदाज में आपको ये दिखाई देगा। आगे का नोज डाइव, आगे का जो डिजाइन है, ये पहली ट्रेन है, ये पहली ट्रेन है। ऐसी कई ट्रेन, लगभग 30 ट्रेन बनाई जाए जो एलस्टॉम बनाएगी, लेकिन पहली ट्रेन आप जो देख रहे हैं, इसका फर्स्ट लुक आप देखिए। तो ये सामने से आप देखिए, ये ड्राइवर केबिन है, उसके बाद आप जितना कोच देख रहे हैं वो पैसेंजर कोच रहने वाला है। आप इसको कैसे फ़र्क कर सकते हैं जब ये पटरी पर चलेगी और आप जब दूर से देखेंगे तो कैसे आप फ़र्क कर सकते हैं कि ये एनसीआरटीसी की रैपिड रेल ट्रेन है? उसका सीधा सा सबसे सरल है, जब आप देखिए किस तरीके से ब्रांडिंग की गई है एनसीआरटीसी की, यहाँ पर आप देखिए तो ये लोगो होगा जो कि ऑरेंज और ब्लू कॉम्बिनेशन में है, और ये एनसीआरटीसी यानी कि वो एजेंसी, वो संस्था ये पूरा जो ट्रेन चलाएगी, तो उसकी ब्रांडिंग यहाँ पर होगी। और जब आप ये देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बाकी ट्रेनों से अलग है, ये अपने आप में काफ़ी खास है। अब आप इसकी कलर कॉम्बिनेशन देखिए, तो इसमें आपको जाहिर तौर है जो चीज़ सबसे पहले अट्रैक्ट करेगी वो ये है कि इसमें किस तरीके से वाइड विंडोज़, चौड़े बड़े साइज़ के विंडोज़ दिए गए हैं, जो कि अंदर जो मुसाफिर होगा, जो यात्री होगा, उसको जब वो सफ़र करेगा, उसको जो बाहर का सीन देखने का जो मज़ा आएगा, वो अपने आप में लाजवाब होने जा रहा है। अब आप इसमें ब्लैक कलर और साथ ही ऑरेंज कलर की जो पट्टी दी गई है, यानी कि ये कलर कॉम्बिनेशन इसमें इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ ही आप देखें तो इसमें ऊपर की तरफ एक लाइट जो दरवाजे के ऊपर दी गई है, ये लाइट तब ब्लिंक करेगी जब ये दरवाजे खुलने वाले होंगे या बंद होने वाले होंगे। इस तरीके की प्रोविजनिंग यहाँ पर इस तरीके का प्रबंध किया गया है। इसके आगे आप देखें तो ये ऑटोमेटिक डोर्स यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि जब स्टेशन आएगा तभी खुलेंगे और जब ट्रेन चल रही होगी तो ये बंद रहेंगे, तो ये ऑटोमेटिक दरवाजे यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये फर्स्ट लुक अब आप देखिए कि इसमें किस तरीके से ऊपर जो आप LCD डिस्प्ले देख रहे हैं उसमें इन्फॉर्मेशन लगातार दी जाती रहेगी कि ये अगला स्टेशन कौन सा है, वो यहाँ पर ब्लिंक होता रहेगा, दिखता रहेगा। तो ये फर्स्ट लुक जिसमें आप देखिए कि कैसे आप इसको फ़र्क कर सकते हैं बाकी मेट्रो से, और क्यों ये दिल्ली जो मेरठ के बीच में जो ट्रेन चलेगी वो कितनी खास होने जा रही है। ये ट्रेन जब पटरी पर दौड़ेगी तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से चलने में सक्षम है, इस स्पीड से चलेगी। और इसका सीधा मतलब ये है कि दो शहरों की जो बड़ी दूरी है वो काफ़ी नज़दीक हो जाएगी, वो सफ़र काफ़ी मिनटों में तय किया जाएगा। तो ये पहली ट्रेन, अब इसका ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद में ये ट्रेन जब सब टेस्ट पार कर जाएगी तो उसके बाद ये इसको चलाया जाएगा पटरियों पर। और इस तरीके की 30 ट्रेनें और एलस्टॉम बना करके NCRTC को देगा, और भविष्य जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का वो देखा जा रहा है वो कुछ इसी तरीके का होने जा रहा है। कुछ ऐसी ही ट्रेनों को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का भविष्य बताया जा रहा है, और उस दिशा में भारत ने तेज़ी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। और ये ट्रेन अपने आप में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की एक बड़ी सफल कहानी भी है, क्योंकि इसको भारत में ही बनाया गया है, गुजरात के सावली में एलस्टॉम के प्लांट में बनाया गया है। तो हर लिहाज से ये ट्रेन भारत के, विकसित भारत की एक सफल तस्वीर बयां करती हुई आपको दिखाई जा रही है।